गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि कैसे लिस्ट से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट्स है, या इसको पहले थ्योरी बताते हैं, लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। जैसा कि पहले थियरी में बताया गया कि हमारा जो लिस्ट में एलिमेंट्स होता है इंडेक्स फॉर्म में स्टोर रहता है, और स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो होता है और उसके अगला इंडेक्स प्लस वन इंटीजर फॉर्म में इंक्रीमेंट होता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग दीज इंडेक्स नंबर। तो लिस्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इंडेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, तो यह रूल अप्लाई करेंगे आप। किसी भी जो है एरे, जस्ट लाइक एरे इन सी प्रोग्रामिंग, यहां पर भी आप लिस्ट से डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो लिस्ट का नाम लिखिए और उसका इंडेक्स एलिमेंट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, नेम लिस्ट, मान लेते हैं कि यहां पर अमन राम रामा अजीत थ्री लिस्ट में नेम है स्टूडेंट, और हम चाहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट चाहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एरे लिस्ट नेम इंडेक्स जीरो, सेकंड एक्सेस करना है तो लिस्ट का नाम नेम लिस्ट फॉलोड बाय इंडेक्स। ओके स्टूडेंट, प्रिंट नेम लिस्ट, यहां पर आएगा अमान, यहां आएगा रामा, यहां आएगा अजीत। ओके स्टूडेंट, तो इस यह आपका हो गया लिस्ट से जो है एलिमेंट्स कैसे हम एक्सेस करें। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा जो इंडेक्सेस है नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग।
नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड इन द गिवन लिस्ट. तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हम इंडेक्स को जीरो से चलते हैं, लेकिन लास्ट चलते हैं तो वहां पर जैसे देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एक लिस्ट है जिसमें मान लीजिए यहाँ पर अमन, यहाँ पर रामा, यहाँ पर अजीत. ओके स्टूडेंट, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसका इंडेक्स जीरो, इसका वन, इसका टू होगा. लेकिन अगर हम इंड से चलते हैं, यह स्टार्टिंग है स्टार्ट, और यह क्या है लिस्ट का एंड है. अगर हम यहाँ से चलते हैं रिवर्स डायरेक्शन में तो इसका इंडेक्स होगा माइनस वन, इसका माइनस टू, इसका माइनस थ्री. ओके स्टूडेंट, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है या यूज करना है तो लिस्ट नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस वन राइट करेंगे तो लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले करेगा. ओके स्टूडेंट, जैसे देखिए टू प्रिंट लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रिंट लिस्ट नेम, यहां लास्ट इंडेक्स क्या होगा माइनस वन होगा. तो इतना लिखेंगे तो वह एक्सेस हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो आगे न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेंज ऑफ इंडेक्सेस. रेंज ऑफ इंडेक्सेस. ओके स्टूडेंट, तो हम जो है लिस्ट से जो है उसका जो है रेंज के अकॉर्डिंग भी हम जो है डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं. ओके, जैसे देखिए We can access the range of list item okay student, देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि प्रिंट करना था लिस्ट, मान लेते हैं कि टू से लेकर के फोर तक एलिमेंट को एक्सेस करना है और नेम लिस्ट में क्या क्या वैल्यू है. मान लीजिए स्टूडेंट यहां पर है
अमान, यास, रुद्र, मोहन, सोहान, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए अली। ओके स्टूडेंट, तो हम यहां से जो है रेंज में डेटा को हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो देखिए यह एग्जाम्पल क्या डिस्प्ले करेगा। यह देखिए इंक्लूडेड है टू इंडेक्स, और यह क्या है, एक्सक्लूड है। आपको इतना ध्यान रखना है, तो यह एग्जाम्पल क्या डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट, देखिए इसका इंडेक्स जीरो, इसका वन, इसका टू, मींस क्या डिस्प्ले करेगा, रुद्र इसका थ्री, मोहन फोर एक्सक्लूडेड है, तो फोर को डिस्प्ले, फोर्थ इंडेक्स को नहीं करेगा। ओके, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि पाइथन में इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। ओके, और आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग के सभी जो है वैल्यू जो है डिस्प्ले करे, तो स्टार्टिंग इंडेक्स को आप बिना दिए राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए कैसे वी कैन ओमिट द स्टार्ट रेंज। जैसे देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल प्रिंट करना है सभी, नेम लिस्ट, स्टार्टिंग इंडेक्स में कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो है लास्ट लिख दिए हैं थ्री, तो इस तरह से भी हम जो है राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसे सिचुएशंस में हमारा जो भी नेम होगा बिगिन से डिस्प्ले करेगा, कहां तक जाएगा, इंडेक्स नंबर टू तक जाएगा, तो इंडेक्स नंबर जीरो की वैल्यू प्रिंट करेगा, वन का प्रिंट करेगा, टू का करेगा, और लास्ट का नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट एक्सक्लूडेड होता है। और उसी तरह से हम चाहते हैं कि लास्ट इंडेक्स ना लिखें, तो वो भी कर सकते हैं, इंड रेंज। ओके स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं प्रिंट नेम लिस्ट, मान लेते हैं कि आपने टू दिया, कोलन दिया, लास्ट का नहीं दिया रेंज, तो मशीन क्या करेगा, इंडेक्स टू से स्टार्ट करेगा और एंड ऑफ एलिमेंट लिस्ट को एक्सेस करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो निगेटिव का
हो ही गया है, नेगेटिव के केस में क्या होता है, हमारा जो इंडेक्स होता है वह इंड से काउंट करता है। ओके, तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव इंडेक्स का। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स, रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स तो हम कुछ सिचुएशंस में चाहते हैं कि जो डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं वह इंड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो इंडेक्स का जो नंबरिंग है वह नेगेटिव साइन के साथ करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन negate the indexes when we want to access the element from end. Okay? एक एग्जांपल देखिए आप लोग, लिस्ट यहां पर है एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो, कीवी, मेलन, मैंगो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर अगर हम देना चाहते हैं, अगर हम ऐसा लिस्ट का नाम दें प्रिंट लिस्ट -4:-1, तो देखिए यह -1 हो गया, ये -2, -3, -4, तो यहां पर हमारा जो लिस्ट है स्टूडेंट इंड से जो है डिस्प्ले करेगा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, ने वीडियो लेक्चर लेंदी हो जाएगा और जो टॉपिक होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।